हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 व 2 को हल किया। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 से शुरू करेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्लास है 8th, और एक्सरसाइज है अपनी 2.2। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें दिया है एक समद्विबाहु बहुत्रिभुज का आधार 4.3 सेमी। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना दिया अपने को? 4/3 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप अपने को दिया है 4/2/15। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, और इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु यानी समान दो भुजाओं वाला आधार अपने को 4/3 सेंटीमीटर दे दिया। अब जो दो अन्य भुजाएं हैं वो समान हैं, लेकिन उनका माप नहीं दिया अपने को, वो निकालना है। तो प्रत्येक भुजा को अपने क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहां से शुरू कर लेते हैं। माना प्रत्येक समान भुजा बराबर x सेंटीमीटर, और परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग ये अपने को कितना दिया है, 4/2/15 सेंटीमीटर। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो अन्य जो दो भुजाएं हैं, ठीक है ना, वो कितनी है, x x सेंटीमीटर की है। x प्लस x तीन भुजाएं होती है, और तीसरी भुजा है 4/3 बराबर 4/2/15। अब इनको सॉल्व करेंगे, 4/3 इस साइड जाएंगे, x और x कितने x हो गए, 2x हो गए, 15 × 60 और 2 62/15 माइनस 4/3, 2x बराबर हरो कलर से आ गया 15, 15 में 15 का भाग दिया 1 आए, 1 को 62 से गुणा किया, 62 माइनस 3 का भाग 15 में दिया है 5, 5 को 4 से गुणा किया 5 × 20, 2x बराबर यहाँ बचेंगे 42/15। अब देखो वज्रगुणन करना है अपने को, इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो। यहां हमने किया पक्षांतरण और यहां हम कर रहे हैं वज्रगुणन। तो 15 × 30 एक्स बराबर 42 × 42। अब ये 30 इधर जाएंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, 42/30। अब ये कट हो रहे हैं तो कट कर देते हैं। देखो 3 के पहाड़े से कट रहे हैं ये, या 6 से भी कट रहे हैं, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42, कितना आ जाएगा 7/5। तो x x क्या है हमारा, प्रत्येक समान भुजा, अतः प्रत्येक समान भुजा x बराबर 7/5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा तीसरे प्रश्न का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। इसमें और आगे दिया हुआ है अपने को, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। 7/5 का भाग भी देते हैं, 5 × 5 कितने बच गए, 2। तो ये जो शेष फल बचते हैं वो लिखते हैं ऊपर, और जिसका भाग दे रहे हैं वो होते हैं नीचे। तो यहां आ जाएगा या 1/2/5 सेंटीमीटर ये आंसर। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। ओके, अब अपने इसका चौथा प्रश्न करते हैं।
चौथे प्रश्न में अपने को क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न, माना छोटी संख्या एक छोटी एक बड़ी है इसमें x, ठीक है, और दूसरी एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 15 अधिक हो जाएगी। यानी मैं कहता हूं मेरे पास 5 रुपए हैं और आपके पास मुझसे 15 रुपए अधिक है, तो आपके पास कितने हो गए, 5 + 15 = 20 हो गए, तो वही इसमें करेंगे, मेरे पास x है और आपके पास 15 रुपए अधिक है तो x + 15 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों संख्याएं हो गई, अब दोनों संख्याओं का जो योग है वो 95 है। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग कितना है, 95 है, यानी x x में जोड़ देते हैं x + 15 तो कितने आ जाते हैं, 95 आ जाते हैं। x और x कितने x हो गए, 2x प्लस 15 = 95, 15 इधर जाएंगे तो 2x = क्या आ जाएगा, 95 प्लस के 15 तो किसके 15 हो जाएंगे, माइनस के, तो 2x = क्या हो जाएगा, 95 में से 15 घटाने 5 में से 5 गए 0, 9 में से 1 गया 8, 80, तो x = क्या आ जाएगा, 80/2, इस 2 का पक्षांतरण होगा, यहाँ भी हमने क्या किया, पक्षांतरण किया, और यहाँ भी हमने क्या किया, पक्षांतरण किया, 80 में 2 का भाग दिया तो आ गए 40, यानी x आ गया 40, x क्या है हमारी छोटी संख्या, तो यहाँ लिखेंगे आता है छोटी संख्या x = 40 और बड़ी संख्या क्या है x + 15, यानी x है 40 + 15 = 55, ये हमारे आंसर आ जाएंगे फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद है अगला प्रश्न पांचवा, दो संख्याओं में अनुपात जो है वो 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अनुपात वाले जो है अपने इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा परीक्षा की दृष्टि से, इसमें भी बड़ी और छोटी संख्या अपने लिख सकते हैं, ठीक है, या पहली और दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए अनुपात किसका अधिक है, 5 का अधिक है, तो हम यहां क्या करेंगे, माना पहली संख्या या लिख सकते हो आप इसको बड़ी संख्या, या क्या लिख सकते हो इसको, बड़ी संख्या, क्योंकि इसका अनुपात ज्यादा है, 5x, 5 है ना अनुपात, तो 5 के साथ x लगा दो, और छोटी संख्या या दूसरी संख्या, या इसको बोल सकते हो छोटी संख्या, बराबर क्या आ जाएगा, 3x। अब प्रश्नानुसार इन दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का क्या अंतर, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को मैं घटाऊं ना तो मेरे कितने आने चाहिए, तो मेरा अंतर आना चाहिए 18, यानी 5x में से ये 3x घटा दूं तो मेरे कितने आएंगे, 18 आएंगे, 5 में से 3 गए 2x = 18, तो x = 18/2, x = 18 में 2 का भाग दिए आ गए 9, तो पहली संख्या आता है, पहली संख्या या जिसको बोल सकते हैं बड़ी संख्या 5x है, यानी 5 × x = 9, 5 × 9 = 45, ये आंसर आ गया, और दूसरी संख्या यानी छोटी, दूसरी संख्या हमारी छोटी संख्या है क्योंकि इसका अनुपात छोटा था, छोटी संख्या बराबर 3x, यानी 3 × 9, 3 × 9 = 27, ये हमारे आंसर आ गए फ्रेंड्स, ये पांचवा प्रश्न हो गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, अब इसका अगला प्रश्न करते हैं अपने, छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में क्या दिया, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। लगातार का मतलब क्रमागत भी बोलता है इसको। इसमें क्या करेंगे, पहले को अपने x मानेंगे, दूसरा लगातार है यानी क्रमागत है, तो उसमें x में एक जोड़ देंगे। जैसे पहला पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है, पहला क्रमागत लगातार यानी क्रमागत पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक x में एक जोड़ देंगे, और तीसरा है तो उसमें दो जोड़ देंगे, चौथा होता तो हम तीन जोड़ देते, ठीक है। x फिर x प्लस एक, x प्लस दो, चौथा होता था x प्लस तीन, पांचवा होता था x प्लस चार, ऐसे अपने आगे बढ़ते जाते इसमें। अब क्या कह रहा है, इन तीन प्रश्नानुसार पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, अपने इनको जोड़ेंगे ना तो अपने क्या आएंगे, 51 आएंगे, या 51 दिए हैं अपने को, तो यहाँ कितने हो गए, एक दो और एक एक्स, तो हो गए 3x, एक और दो ये हो गए अपने, देखो x हो गए 3 और एक और दो ये हो गए 3 बराबर 51। 3 का इधर पक्षांतरण करेंगे अपने, तो यहाँ कितने रह जाएंगे, 3x बराबर 51 माइनस 3। अब ये 3 का भी पक्षांतरण होगा, तो यहाँ x बराबर क्या रह जाएगा, 51 में से 3 गए 48, और 3 गुणा में है तो कहाँ चले जाएंगे, बट्टे में, तो x का मान क्या आ जाएगा, 16। x आ गए 16, तो पहला क्रमागत यानी लगातार पूर्णांक बराबर x बराबर 16, दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस एक यानी 16 प्लस एक बराबर 17, और तीसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस दो यानी 16 प्लस दो बराबर 18। ये हमारे आंसर आ जाएंगे फ्रेंड्स। ये अपना 6 प्रश्नों तक कंप्लीट हो गया है, तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।